Hey guys, welcome back to the channel. तो आज मैं जा रही हूँ हेलोवीन पार्टी के लिए, इसलिए इतना मैं डरावनी वाला वो कर रही हूँ मेकअप जैसा. ओके, वेरी नाइस. एंड गेस व्हाट गाइस, ये किसका टॉप है? मेरा. आप समझ जाइए ये किसका टॉप है ना बीबी? मेरा है. चलो बढ़िया. तो अनिका को मैं क्विकली हेलोवीन पार्टी के लिए रेडी कर दूँ. ज्यादा तो ये रेड, इससे ज्यादा रेड नहीं है मेरे पास. इसे आंखों पर लगाओ. ओके, आंख बंद करो. ये है मेरे पास एक परफेक्ट शेड फॉर हैलोवीन सरप्राइज. खोलो खोलो खोलो. ब्लैक है, नहीं चाहिए ब्लैक. तो हैलोवीन में ऐसे ही लगाते हैं, रेड थोड़ी कौन लगाता है. लगाओ ब्लैक. लगाओ. डार्क रेड. निकालो डार्क रेड. लगा देती हूँ, अनिका को बिल्कुल पसंद नहीं है वो सिंदूर है. इसी में बेटा देखो नहीं है. तो अभी ब्लैक लिपस्टिक नहीं चाहिए, उसे रेड चाहिए. मैडम अभी लगाऊंगी रेड लिपस्टिक. बेकार लग रहा है. अरे तो हैलोवीन में तुमको खूबसूरत दिखना ही नहीं है, डरावना दिखना. और आजकल तो मैं बस दो दो मिनट में ही थक जाती हूँ. स्टैमिना कैपेसिटी पता नहीं कहाँ जा रहा है बॉडी में. आप समझ ही रहे हो कहाँ जा रहे हो. पर आजकल बड़ा मैं थोड़ा बैठ जाऊँ थक जाती हूँ, थोड़ा चल लूँ थक जाती हूँ. मतलब ऐसे ही चल रहा है. अनिका का केप है ये जो पहनी है, और मेरा स्कार्फ है ये. अरे सॉरी सॉरी, उठ रही हूँ एक मिनट. उठने में भी मुझे अभी टाइम लगता है. रुको पहले कैमरा रख दूँ साइड में. अच्छा आपको ये किधर, आपको इसी में सबको नहीं चाहिए. हाथ में ले लो, क्या करोगे ये चॉकलेट? और कौन लेंगे? आपको दिया हाथ में देके कैसे चलेगा? तो फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं अपनी हॉस्पिटल बैग को पैक कर रही हूँ. वैसे यहाँ पर अनिका की ही बैग को मैंने लिया था पैक करने के लिए. मैंने सोचा उसकी बैग ऊपर की तरफ है तो उसी को पैक करके लेकर जाऊँगी हॉस्पिटल, पर बाद में मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि ये बैग छोटी पड़ रही थी. तो ये सारी चीज़ें जो हमने धुल कर रखी है, जमा करके रखी है एक ही तरफ, जो भी हमें हॉस्पिटल में लगने वाली है और हॉस्पिटल के बाद भी, मतलब जब बेबी को लेकर हम घर पर आ जाएंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी है. मैंने कुछ भी नया नहीं ख़रीदा है. हाँ, मेरे लिए जो जो मुझे लगने वाला वो ख़रीदा है, और उसी के साथ बेबी के लिए जो लगने वाला है वो मैंने बिल्कुल नया नहीं ख़रीदा है. यहाँ पर ये मेरे मैटरनिटी गाउन्स है जो आफ्टर डिलीवरी में पहनने वाली हूँ, तो इन्हें धुलकर मैंने अच्छे से रख दिया है. बेबी के स्वैडल क्लोथ्स मेरे पास रखे थे, और मेरी ननद ने भी काफ़ी सारे कपड़े ला दिए थे, वो भी धुलकर ही रखे हुए हैं. और अनिका के जो भी बचपन के कपड़े तो वो भी हमने धुलकर रख दिए थे. तो इस तरह से सारी चीज़ों को इस समय मैं पापा की मदद से यहाँ जमा करवा रही हूँ. पापा ने बोला मैं सारी चीज़ें ला कर देता हूँ, तुम बस पैक करती जाओ. और अभी भी ये पैकिंग कंप्लीट नहीं हुई है, पर हाँ बेबी की बैग पूरी तरह से पैक कर दी है मैंने. तो ये सारी चीज़ें जब पापा यहाँ पर ला कर जमा कर रहे थे तो मैं उन्हें बता रही थी इसे यहाँ रखो, यहाँ पर इसे रखो. और पापा की हेल्प की वजह से भी ये मेरी पैकिंग फटाक से हो गई. सो यहाँ पर डायपर भी आ गए हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ के. एंड फाइनली मैंने सबसे पहले बेबी की पैकिंग स्टार्ट की. तो बेबी के लिए जो स्वैडल क्लोथ्स लगने वाले हैं, जो फर्स्ट डे जब एकदम बेबी इमिडिएटली बॉर्न होने के बाद पहनने वाला है, वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से रख दी है, पैक कर दी है. डिटेल में वीडियो बना पाऊँगी कि नहीं मुझे भी नहीं पता, पर अगर मौका मिलेगा तो बना दूँगी, जिससे आपका भी हेल्प हो जाएगा. तो पापा यहाँ पर डायपर निकाल कर दे रहे हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ के. मैंने टोपी वगैरह यहाँ पर सब पैक कर लिया है,
और हल्की हल्की ठंड है, तो वैसे तो ठंड के कपड़े अभी कुछ खास लिए नहीं है, पर जो भी अनिका के बचपन का वो स्वेटर था और थोड़े से जो फुल हैंड्स के टॉप्स है, वो सारी चीज़ें उस हिसाब से मैं सब पैक करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये बेबी का न्यू टॉवल है, तो बस मैं देख ही रही थी कितना सॉफ्ट है, कैसा है टच करके। वो एक जो फील है ना इस समय जो मैं महसूस कर पा रही हूँ, उसे एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। मैं बस इमेजिन कर रही हूँ कि जो भी बेबी है वो कैसा लगेगा या कैसी लगेगी इन कपड़ों में, इन टॉवल के साथ, इन चीज़ों के साथ। मतलब यार ये अलग ही कुछ हो रहा है। और फर्स्ट क्लोथ चूज़ करने में भी मुझे बड़ा टाइम लग रहा था कि पहला बच्चे का कौन सा कपड़ा हो, तो मैं चाहती थी एकदम सूदिंग कलर वाला हो, प्यारा सा हो, जो कि आँखों पर एकदम ऐसा वो ना लगे। वैसे भी बच्चों को बोला जाता है कि ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है। एंड फाइनली आई डिसाइडेड कि ये जो क्यूट सा छोटू सा पिस्ता कलर का छोटू सा शर्ट है, इसे मैं बेबी को फर्स्ट टाइम पहनाऊंगी, या फिर ये पोल्का डॉट भी चलेगा क्योंकि ये भी बहुत क्यूट है। सो मैंने इसे भी यहाँ पर रख दिया है जिससे मैं नर्स को दे पाऊँ कि ये फर्स्ट क्लोथ है। ये जैसा भी, मतलब अनिका के हिसाब से ही मैं सारी चीज़ों को सोच रही हूँ कि अनिका के टाइम पर भी ऐसे हुआ था कि मैंने एक बंच उठा कर दे दिया था नर्स को, और नर्स ने फिर वो सारी चीज़ें बेबी को पहना दी थी, मतलब अनिका को पहना दी थी। उसी के बाद बिछौनी वगैरह तो लगने नहीं वाली है, पर एक मैंने फिर भी रख ली है कि इन केस मुझे ज़रूरत पड़ी तो। तो इस तरह से सबसे पहले तो देखिए मैंने बेबी की बैग को पैक किया है, बेबी की हर एक चीज़, टोपा हो उसके हाथों के लिए, पैरों के लिए, बनियाइन हो, हर एक चीज़ को मैंने पैक करने की कोशिश की है। यहाँ पर पापा भी सारी चीज़ें निकाल निकाल कर दे रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये सारी चीज़ें मुझे सबसे पहले राज एंड मम्मी को दिखानी है कि मैंने सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पैक की है, उन्हें पता होना चाहिए, राइट। और यहाँ पर बेबी का पूरा मैंने सामान पैक कर दिया है, अब मैं अपना करने जा रही हूँ। ये सारी चीज़ें करते करते ना गाइस, बिलीव मी, मैं बहुत ही थका हुआ फील कर रही थी। आफ्टर डिनर मैंने ये सारी पैकिंग की थी, सो सोने से पहले अपना केसर दूध ख़त्म कर रही हूँ। एंड इस समय ऐसी मेरी हालत थी कि बस मुझे और कुछ नहीं करना, ये दूध भी नहीं पीना है, बस सोना है। कल का पूरा दिन इतनी ज़्यादा टायर्डनेस, इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था, हम लोग किसी को बोलते हैं ना डाउन टू अर्थ, वैसा ही कुछ मुझे फील हो रहा था। बहुत टायर्ड फील कर रही थी, बहुत लो एनर्जी फील हो रही थी। आज भी कुछ ऐसा ही है, पर आज मुझे मेरे लास्ट अल्ट्रासाउंड के लिए निकलना है। फाइनली वो दिन आ गया। बाल देख रहे कैसे हो रखे, मतलब मेरे हाथों में ही नहीं है। और मैंने खुद को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए थोड़ा ब्राइट शेड लगाया है, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग ऐसा, मतलब एनर्जेटिक। ऐसा लग रहा है कि बस मुझे कुछ नहीं करना है, बस पड़े रहना है। बहुत मेरी एनर्जी लो है और मैं इतना जल्दी थक जा रही हूँ ना कि मैं यहाँ पर खड़ी भी हूँ तो भी थक जा रही हूँ। और बस ये अल्ट्रासाउंड हो जाए फटाक से, घर आकर मैं फिर से सो जाऊँ। मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है एनर्जी वाइज। तो कल तो व्लॉग नहीं कर पाई, पर आज जा रही हूँ। देखिए कुछ बालों को मैंने लगाया भी था, खोल दिया, अच्छा नहीं लग रहा यार। लिपस्टिक भी लगा ली है कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बट नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे ना सांस भी खींचनी पड़ रही है। आज हो जाए मेरा अल्ट्रासाउंड तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। ओके, और 10 कपड़े बदलने के बाद तो ये कपड़ा हुआ है। आज का जो आउटफिट है वो अल्ट्रासाउंड अप्रोप्रिएट है, कुर्ता एंड लेगिंग। तो बस मैं कुछ इस तरह से तैयार हो चुकी हूँ। स्कैनिंग करवाने से पहले मैंने एक रसगुल्ला खा लिया था, जो कि मुझे यहाँ के रेडियोलॉजिस्ट ने ही सजेस्ट किया था। अल्ट्रासाउंड होने के बाद मैं कुछ ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाई, इनफैक्ट कोई व्लॉग नहीं बनाया मैंने। द रीज़न, शायद मेरी शाम वाली जो हाउस हेल्पर है वो आ चुकी है,
तो मेरा जो एक्सपीरियंस था मेरे रेडियोलॉजिस्ट के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। पता नहीं क्यों, पर वो काफ़ी ज़्यादा रूड थी और बिल्कुल ही, मतलब मैंने कभी ऐसा फेस नहीं किया जिस तरह से उनका एक नेचर था। और 12 साल पहले भी अनिका जब हुई थी तब भी ऐसा नहीं मैंने फेस किया जो अब मैंने किया था, फर्स्ट टाइम ही हुआ था मेरे साथ। सो मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस वहाँ पर अच्छा नहीं था। सेकंड, कुछ चीज़ें सही नहीं आई मेरे स्कैन में, तो इसलिए मुझे 7-8 को वापस स्कैन करवाना है। तो उसी के तुरंत बाद फिर मैं डॉक्टर को दिखाने चली गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ चीज़ें रिकमेंड की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है अगस्त से, जो रुक चुका है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बेबी की ग्रोथ थोड़ा सा स्लो है। बेबी की जो सारी ब्लड फ्लोज वगैरह है वो परफेक्ट है, सारी चीज़ें परफेक्ट है, बट मेरा वेट नहीं बढ़ने की वजह से बेबी का भी वेट उतना नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए। बेबी हेल्दी है, सब कुछ सही है, बट मेरे वेट की वजह से थोड़ी दिक्कत चल रही है। फिर मेरी एक दो चीज़ें, मतलब दवाइयाँ स्टार्ट करवाई है डॉक्टर ने, और इसीलिए मुझे वापस से एक बार स्कैन करने के लिए बोला है। उसके बाद ना मेरे एब्डोमेन एरिया में 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा एक भारीपन और एक पेन रह रहा है, तो डॉक्टर ने बोला मे भी तुम्हारी डिलीवरी पास है। और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ऐसी थी ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे चाहिए नॉर्मल डिलीवरी, बट कहीं ना कहीं डॉक्टर वाज लाइक सी सेक्शन। वो चीज़ें मैं क्रैक नहीं कर पा रही हूँ कि क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी फर्स्ट नॉर्मल डिलीवरी है एंड सेकंड में जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो कॉम्प्लिकेशन इस बार स्कैन में वापस मैंने चेक करवाए, बिल्कुल नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नॉर्मल केस है। बट कहीं ना कहीं वो एक रहता ना कि थोड़ा सा डॉक्टर 2-3 चीज़ें बोलने लग गए कि मेरा जो डिलीवरी ड्यू डेट है अभी काफ़ी समय है, उसमें भी अभी भी मान कर चलो कि 10-15 दिन कहीं नहीं गए हैं, पर फिर भी डॉक्टर एक वो सी सेक्शन वाला सिग्नल दिखा रही थी जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और ये मुझे रोज़ दोपहर में पीना है, ये एक पाउच दिया है, इसकी वजह से जो बेबी के आसपास जो वाटर होता है उसका जो लेवल है वो कम नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा कम भी था मेरा वाटर लेवल। तो चीज़ें ना, पता नहीं मुझे स्कैन ख़राब हुआ है या सच में चीज़ें, मतलब हाँ मेरा वज़न नहीं बढ़ा है ये मैं जानती हूँ, तो इसकी वजह से ऑफ कोर्स जब मेरा वज़न नहीं बढ़ेगा तो बच्चे के भी वज़न में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आएगा ही। बाकी ब्लड फ्लो बच्चे का अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट चीज़ें ना काफ़ी मतलब वैसी नहीं थी, क्लियर नहीं थी। तो अभी 7 को एक बार वापस स्कैन होगा, तब चीज़ें समझ में आएंगी ऐसा लगता है मुझे। तब तक जो भी मेरी मेडिकेशंस चालू हुई है वो तो मैं फॉलो कर रही हूँ। खाना पीना मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, मुझे बहुत अनकम्फर्टेबलनेस आजकल रहने लग गई है, बार बार सुसु जाना, पॉटी जाना, और वो जो नीचे के हिस्से में भारीपन फील होना, बाप रे, मतलब ये सारी चीज़ों को फेस करना एक साथ ना कई बार मेरे लिए बहुत ऐसे हो जाते कि कैसे होगा, पर ठीक है ये समय भी चला जाएगा। और डॉक्टर ने मुझे फाइनली बोल दिया कि अभी मैं वॉक कर सकती हूँ, तो मैं वॉक वगैरह भी कल से चालू कर चुकी। तो कुछ ऐसा मेरा पूरा ओवरऑल ये लास्ट अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट रहा है, बट अभी ये लास्ट भी नहीं है, सेकेंड लास्ट हो गया, क्योंकि 7 को वापस मुझे करवाना पड़ेगा। आप प्रे करो सब कुछ सही सही रहे, बढ़िया बढ़िया हो, राइट। एंड मैं तो वैसे ही भगवान से सारी चीज़ें पॉजिटिवली वो करती हूँ, तो आई एम श्योर अंदर से कि सब कुछ बढ़िया होने वाला है। और ये दिखता इतना सुंदर कलर का ऑरेंज ड्रिंक है, बट टेस्ट में बहुत ख़राब है, पर पीना पड़ रहा है। चलिए मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर। Todas tus amigas say you miss me, girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo.